दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एमसीएफ का शर्मनाक कारनामा आपको दिखाते हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कूड़े का ढेर है। आप लोग देख रहे हैं सरकार ने करोड़ों रुपए में ये रोड बनाया है। देखिए आरएमसी रोड है, करोड़ों रुपए खर्च हैं ताकि जनता यहाँ गाड़ियों से जाए, बाइक से जाए, साइकिल से जाए, लेकिन देखिए किस तरह से ये रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पर कूड़े के ढेर लग चुके हैं और पब्लिक बिल्कुल यहाँ से निकल नहीं सकती। आप लोग देख रहे हैं सीधा जाएंगे तो सोहना रोड आ जाएगा, यानी सोहना रोड की तरफ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है इस कूड़े के ढेर ने। अब यहाँ पर किस वजह से अव्यवस्था फैली है, एमसीएफ ने क्यों कूड़े का ढेर लगवाया है, रोड को क्यों ब्लॉक करवा दिया है, गंदगी क्यों बढ़ाई जा रही है, यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए सभी लोग कूड़े पर चल कर रोड पर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। और नाला भी आप लोग देखिए, नाला भी भर गया है। यह स्थानीय लोग हैं, परेशान हैं। आप लोग देख रहे हैं बदबू से परेशान है, कूड़े के ढेर से परेशान है। और कई बार शिकायत की गई है एमसीएफ से, लेकिन ना तो जेई, ना तो एसडीओ, ना तो सफाई कर्मचारी सुनते हैं। हाँ जी, क्या परेशानी है यहाँ पर, कब से कूड़ा है बताइए, आप बताइए। पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये बहुत दिनों से मतलब लगा पड़ा। साफ सफाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा, इको ग्रीन आती है यहाँ पे उठाने के लिए कूड़ा? कभी नहीं आई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है। हाँ जी, परेशानी है आप लोगों की? बहुत परेशानी है। बदबू आ रही होगी? बहुत ज्यादा बदबू है, मच्छर है, बीमारी है। नहीं देते मंडी, आप दिखाई ना दे, नाला में गिरी। रास्ता भी ब्लॉक है, सीमेंटेड रोड है। सरकार ने तो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं रोड बनाने में, दो दो महीना, एक एक महीना। सीमेंटेड रोड है, करोड़ों रुपए खर्च है, बन तो गया उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहाँ से हम लोग? रोड तो बन गया, मैं कह रहा हूँ रोड यहाँ पे बना हुआ लग रहा है, सीमेंटेड रोड है, लेकिन रोड पर कूड़े का ढेर लग गया है। रोड पर कोई जा ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं जा सकता। तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं? वो तो बर्बाद हुई रहे भैया, एमसीएफ की वजह से। देख रहे हैं एमसीएफ की कार गुजारी। ये संजय कॉलोनी एरिया पड़ता है। हाँ जी, मेरा नाम कशिश, मैं संजय कॉलोनी की निवासी होते हुए मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं इतनी गंदगी जगह में हम लोग रह रहे हैं। क्या हम रोड टैक्स नहीं देते, या हाउस टैक्स नहीं देते, या क्या नहीं देते, जिसकी यहाँ पे कूड़े का ढेर एक महीना हो गया, एक बार भी एमसीएफ की गाड़ी नहीं आई यहाँ ले जाने के लिए। और कुछ कॉलोनी के लोगों की मजबूरी ये है यहाँ कूड़ा डालने का, वो कारण ये है कि गाड़ी नहीं आती है। चलो गाड़ी नहीं आती, हम लोग तो डाल रहे हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन 52 की तरफ से कूड़ा डालना मना हो गया। उधर से कुछ लोग रेडियो में भर के कूड़ा यहाँ डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत गंदगी हो गई है। हमारे ललित मंडल क्यों नहीं आती, अब इसका कारण तो हम नहीं बता सकते क्यों नहीं आती है। गली गली घर घर पहुँचती है? बिल्कुल नहीं पहुँच रहा सर, बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा। आप किसी से भी पूछ, गली का एड्रेस बताओ, कौन सी गली में आप लोग रहते हैं? संजय कॉलोनी एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में रहते? हाँ जी, एफ ब्लॉक में। यहाँ पे किसी भी गली में इको ग्रीन नहीं पहुँचता है। नाला भी बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है, जाम हुआ पड़ा है, बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है सर। गाड़ी भी आनी चाहिए यहाँ पे, गाड़ी कूड़ा भी उठा ले। कम से कम दो से चार दिन में सफाई होनी चाहिए। जो सफाई नहीं होती है, कूड़ा उठ के नहीं जाता। या तो इसका समाधान किया जाए, यहाँ पे कूड़े का बड़ा वो रखा जाए जिसमें पब्लिक कूड़ा डाले, इस तरीके से ना फैलाए। हम मंडी में नहीं जा पाते, ललित मंडी वाला भी सपोर्ट नहीं करते कि इस कूड़े के लिए कुछ मदद करें, कि बिल्कुल साइड करवाएं या प्रशासन से बोलें। हम ही लोग कितना करें बताइए। चलो जी, देखिए सब परेशान है, आप खुद हालत देख सकते हैं, कूड़ा किस तरह से बिखरा हुआ है, बदबू आ रही है, प्रदूषण फैल रहा है, बीमारियां फैल रही होंगी। अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, चिकनगुनिया का सीजन, टाइफाइड का सीजन चल रहा है, मच्छर बढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे कम से कम दसियों बिजार नंदी गाय लड़ती हैं, और कितने माता बहनों को घायल कर दिया। कूड़ा खाते होंगे ना? कूड़ा खाती है, खाने के साथ साथ उन्होंने घायल कर दिया है वो भाई साहब। टाइफाइड हो गया? टाइफाइड हो गया सर जी, हमें रॉबिन नाम है हमारा। टाइफाइड हो? हाँ, ठीक हो गए? बहुत फैलती है। ठीक हो गए? हाँ ठीक हो गए। ध्यान रखो, अपने 1.5 लाख रुपए लग गए। ध्यान रखो, ठीक है। पैसे तो लगेंगे भैया, पैसे तो लगेंगे जब अस्पताल जाओगे, और प्राइवेट अस्पताल तो लूट लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम? नमस्कार जी, परेशानी तो है यहाँ? मेरा नाम चरण सिंह है। हाँ। मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, मेरी भी यहाँ शॉप है। बहुत परेशानी है यहाँ, आए दिन बच्चे भी खेलते हैं और गिरते भी हैं, बेचारे बच्चे मंडी भी जाते हैं, ये सब लोग गिरते हैं, और ये सारे कर्मचारी लोग बेचारे क्या करेंगे पता नहीं हमें तो। लेकिन ये तो लापरवाही दिख रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप देख लो ना, वैसे सीएम साहब खुद बोलते हैं कि लुटेरा है एमसीएफ। हाँ जी, सीएम साहब खुद बोलते हैं लुटेरा है एमसीएफ। अभी एमसीएफ कमिश्नर भी बदले गए हैं, उनको तो काम करना चाहिए ना, उन्हें काम करना चाहिए।
जेई को मैंने कम्प्लेन दे दी है। क्या नाम है जेई का? परवीन जेई। और क्या कहते हैं, बहुत शिकायत मिल रही है, काम नहीं करता बिल्कुल। अभी इसने दूसरी साइड पूरा खुदवा दिया, पानी बंद करा दिया, जो मोबाइल कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो है पूरा खुदवा दिया, इसने पानी बंद करा दिया, जो है पब्लिक परेशान हो गई। तो जेई परवीन की बहुत शिकायत मिल रही है, इस पर लगाम लगाई जाए, वरना पब्लिक परेशान है इसके यहाँ पे राज में, ये परेशान कर रहा है। इन कर्मचारियों ने यहाँ से शुरुआत करी थी और यहाँ से यहाँ तक आ गए ये लोग। ठीक है, एक जगह बना लो, कुछ कोई गाड़ी वाड़ी लगा दो, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। रोड है, रोड पे कूड़ा नहीं होना चाहिए, रोड के साइड में इधर हम अब कूड़े डालने की तो मजबूरी है। या तो इको ग्रीन सरकारी जगह है, हाँ कुछ ग्रीन को आना चाहिए, इको ग्रीन को आना चाहिए, जिसमें रोड भी बने हुए हैं, देख सकते हैं, अंदर जा सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आराम से जा सकती है, लेकिन उसके बहाने होते हैं, कभी बाई चांस लेने आते हैं, बिल्कुल पैसे लेने महीने पे आ जाते हैं, पैसा लेने आते हैं, कूड़ा उठाने नहीं आते, पैसे लेने आ जाते हैं, पाँच दिन आ जाएंगे, बाकी 25 पैसे दे भी देते हो, मजबूरी में देना पड़ता है, लड़ाई भी करते हैं, अब पर्चियां पड़ी है हमारे पास जो हमने पैसे दिए हुए हैं, ऐसा नहीं। एरिया हमने दिखा दिया, सेक्टर 23 का एरिया है संजय कॉलोनी, और अपोजिट साइड ललित मंडी है, पर्वतिया ललित मंडी है, पर्वतिया कॉलोनी का एरिया पड़ता है, और इधर संजय कॉलोनी का एरिया पड़ता है, और नाला भी जाम है, आप लोग देख रहे हैं, नाले की भी साफ सफाई नहीं हो रही है, और रोड की भी साफ सफाई नहीं हो रही है, सब फैल रही है ना। एक चीज मुझे ये कहनी है कि मेरे इस छोटे से पॉकेट है ये हमारा, इसको हर चीज से वंचित रखा गया, समझ नहीं आता क्यों हमारे साथ ऐसा किया जाता है। सारी चीज, सारी टैक्स भरने के बावजूद हमारे सारे गटर खुले हुए हैं, इसकी कंप्लेन हम अप्रैल में दे चुके हैं कि गटरों के ढक्कन लगाए जाए, अभी तक वो नहीं ढक्कन लगाए गए, 5 से 6-7 महीने हो गए, उसमें कई वारदात हो गए, जिसकी वीडियो मैं प्रवीण जय जी को भेज चुकी हूँ, अपने दिनेश शर्मा तक भी पहुँचा चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फोन भी नहीं उठाता, लोगों की सुनाई देता है, बहुत कम नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, बहुत कम फोन उठाते हैं, बहुत शिकायत मिल रही है, पर्वतीय कॉलोनी परेशान, जवाहर कॉलोनी परेशान, संजय कॉलोनी वाले परेशान, सब इस जेई से परेशान है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल की जरूरत है, सरकार को बदनाम कर रहा है, सरकार की बदनामी हो रही है, बिल्कुल सरकार की बदनामी हो रही है इसमें, बाकी ये लोग काम एमसीएफ वाले काम करते नहीं है, बदनामी फिर सरकार की होती है, इसका समस्या का समाधान हो, सब परेशान, चलो हाथ उठा के बता दो कौन कौन परेशान है, हाथ उठा के, चलो भाई कैमरामैन पीछे होके, हाँ दिखा दो भाई, सारे लोग परेशान है, एमसीएफ क्या, मैं एमसीएफ नहीं, हमें परेशान कर रखा है, अच्छा एमसीएफ हम, बिल्कुल हम एमसीएफ वालों से ही परेशान है, मुर्दाबाद तो नहीं लगा रहे हो, मुर्दाबाद ही लगाएंगे, मुर्दाबाद अटक गए आप, अटक गए बीच, चलो जी ठीक है, नाराज है लोग, नाराज हैं, नाराज हैं लोग, नाराज हैं, नारे मत लगवाई, कोई बात नहीं, समझ लिया होगा, समझ लिया होगा एमसीएफ वाले ने, काम होना चाहिए, पब्लिक परेशान है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।